जिला परिषद अंतर्गत जिले के करीब 100 गांव में जल जीवन के तहत पानी टंकी बनाने का काम पिछले एक साल से चल रहा है, लेकिन यह कार्य घटिया गुणवत्ता का निकला है। ऐसा ही एक काम है गोंदिया तालुका के चीजगाटोला गांव में पानी की टंकी का निर्माण। यह पानी टंकी 80% पूरा हो चुका था, लेकिन पानी टंकी के निर्माण कार्य में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। और जब तक यह बात सामने आई कि पानी टंकी घटिया क्वालिटी की बनी है, तो जिला परिषद के सदस्यों ने बैठक में इसकी शिकायत की। 6 महीने के लिए जिला परिषद का निर्माण जारी रहा और निर्माण पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब जांच की गई तो 80% निर्माण पूरा हो चुका था, लेकिन इस पानी टंकी का निर्माण ठीक से नहीं हुआ था और इसमें कई खामियां पाई गई। आखिरकार इस पानी टंकी का निर्माण रोक दिया गया और इस पानी की टंकी की जमीन दान में दे दी गई। जिला परिषद सदस्यों की मांग है कि जिले की बाकी पानी टंकियों की भी जिला परिषद द्वारा जांच कराई जाए और संबंधित ठेकेदार व अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। तो अब यह देखना अहम होगा कि इस मामले में संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्यवाही होती है या नहीं। जल जीवन मिशन के तहत पूरे जिले में लगभग 90 से 100 ग्राम पंचायतों में काम शुरू है पिछले एक साल से, और 200 से 250 करोड़ के काम पूरे जिले में चालू है। केंद्र शासन का निर्देश था कि हर व्यक्ति को शुद्ध जल मिले, और उस उद्देश्य से गोंदिया जिले में बड़े पैमाने पर जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई के काम मंजूर हुए, और उसी के अनुरूप चिजगांव ग्राम पंचायत के तहत चिजगांव में तथा चिजगांव टोले में स्वतंत्र 2 टंकी का काम मंजूर हुआ। चिजगांव टोले पर 30,000 लीटर की टंकी का काम मंजूर हुआ और पिछले साल भर से वो कछुआ गति से शुरू था। इसमें जब काम शुरू हुआ उस समय पर हम लोगों ने तकरार भी किए थे कि काम बराबर नहीं हो रहा है, कनिष्ठ दर्जे का हो रहा है, सीमेंट बराबर वापर नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके तरफ उस समय पर डिपार्टमेंट ने ध्यान नहीं दिया। इस विषय में सभागृह में भी जिला परिषद में चर्चा आई थी, लेकिन आखिरकार जब 80% टंकी का काम बना तो उसके बाद में जब डिपार्टमेंट को समझ में आया कि सही में उस काम में गलतियां हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर गोंदिया जिला परिषद में काम बहुत ज़्यादा शुरू है और कर्मचारियों की कमी के कारण समय पर अभियंता साइट पर नहीं पहुँच पाते और ठेकेदार लोग अपने मनमर्जी से काम करते हैं, और इसी के कारण जो टंकी के कॉलम थे टेढ़े थे। 80% काम होने के बाद में आखिरकार उस टंकी को गिराने का काम आर्डर किया गया और टंकी गिराई गई। इस टंकी गिराने के कारण काफ़ी नुकसान हुआ। अब ये नुकसान किससे भरवाया जाएगा, संबंधित विभाग इस किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी निश्चित करती है, अभी देखना बाकी है। इस विषय पर हम लोग आने वाले टाइम में सभागृह में फिर से सवाल और जवाब करेंगे, और पूरे जिले में अगर इसी प्रकार से अगर भ्रष्टाचार करके अगर टंकियों का काम अगर निर्माण शुरू होगा तो निश्चित तौर पर इस पर जांच भी होनी चाहिए। और इन बेसन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।